मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। मुसलमान होना बहुत बड़ी दौलत है। मैं 6 बर्रे आजम फिरा हूँ, दुनिया के बादशाहों से मिला हूँ, मालदार फकीरों से मिला हूँ, जिन्हें अल्लाह का नहीं पता, उनसे ज्यादा दर्दमंद इंसान दुनिया में कोई नहीं। जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, उनसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं। जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, उनसे ज्यादा नाकाम इंसान कोई नहीं। अल्लाह को पा लेने वाला कभी ना हारा, और अल्लाह को खो देने वाला कभी न जीता। अल्लाह को राजी करने वाले के मुकद्दर में हार नहीं है। चाहे सूली पे लटक जाए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, चाहे आग में जला दिया जाए, चाहे जानवरों के आगे कीमा करके फेंक दिया जाए, जिसने अल्लाह को पा लिया वो कभी ना हारा। उसने कुछ ना खोया, उसने सब कुछ पाया। और जिसने अल्लाह को खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ लूट गया। भाइयों, मैं आज झोली फैलाने आया हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं झोली फैलाने आया हूँ वोट के लिए नहीं। मैं इस बात की झोली फैलाने आया हूँ कि आज तुम सारे कलमा गो मुसलमान भाई, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। जितना बड़ा सौदा करना पड़े कर जाओ, जितनी बड़ी कीमत देनी पड़े दे जाओ, और अपने अल्लाह को राजी कर जाओ। जान पे खेलना पड़े खेल जाओ, माल लुटाना पड़े लुटा दो, इज्जत आबरू दाव पे लगे लगा दो, पर अल्लाह को ना हाथ से जाने दो। अल्लाह तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है, अल्लाह तुम्हारा नहीं तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। फिरौन की बांदी मुसलमान औरतें बहुत सी मौजूद हैं बयान में, औरतों के लिए सुना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी सुना रहा हूँ। फिरौन की एक बांदी थी, मुसलमान हो गई। औरत तो कमजोर होती है, फिर वो बांदी हो तो और कमजोर होती है, और कलमा छुपता नहीं है। उसका ईमान उसके दिल में था, पर वो निकल ही पड़ा। खुशबू कौन छुपा सके, खुशबू कैसे छुप सकती है? उसके ईमान का पता चल गया। फिरौन ने उसे पकड़वाया। उसकी 2 बेटियां थी, एक दूध पीती थी, एक उंगली पकड़ के चलती थी। उसने बड़े कड़ा में तेल डाला, उसके नीचे आग जलाई, तेल खौलने लगा। उसने दरबार सजाया, फौर उसके अपनी बांदी को बुलाया, उसकी 2 बेटियों को बुलाया। ये माएँ सुन रही हैं कि माँ औलाद के लिए क्या कुछ कर गुजरती है, क्या क्या कुछ कर गुजरती है। ममता से तारीख भरी पड़ी है, और अल्लाह ने भी जो अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है कि मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ, तो बाप की मोहब्बत से तशबीह नहीं दी। अल्लाह ने कहा मैं माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। उसने कहा, फिरौन ने कहा अगर तू मूसा के रब पे ईमान लाई तो तेरी दोनों बेटियों को जला दूंगा इस तेल के अंदर, और तुझे भी जला दूंगा इस तेल के अंदर। हाँ हाँ, लोग समझते हैं मौत बहुत बड़ी सजा है। अरे जिसने अल्लाह को पा लिया उसके लिए मौत तोहफा है, तोहफा है। वो दुनिया के दुखों से नजात पा गया और आखरत की नेमतों के कस हकदार बन गया। तो फिरौन की बांदी ने कहा, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, अगर मेरे पास और होती, मेरे पास 100 होती तो मैं 100 भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। फ़क्ज मा अंतकाज, कर जो तुझे करना है। उन्हें बड़ी बेटी को पकड़ा, उन्हें कहा अम्मा, हाय हाय, उस माँ से पूछो जिसके आगे जलता हुआ तेल और उसकी बेटी को डाला जा रहा हो, और वो अम्मा कहे, और उसका एक बोल माँ का, एक बोल बेटी की जान बचा सकता हो। कलमा कुफर कह जा, घर में जाके तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। मैं कुर्बान जाऊं, एक मकाम ईमान का ऐसा आता है कि कुर्बान होना ज्यादा महबूब हो जाता है जान बचाने से। उनका अम्मा, उनका बेटी सबर, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जा। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा। या ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। हाँ हाँ, इश्क की आग
ऐसे ही भड़कती है, शमें ऐसे ही फरोजा होती हैं, ये कुमकुमे तो बुझ जाते हैं, लेकिन ये ईमान वाले जो शमें जला गए ये आज तक रोशन हैं, जिनकी रोशनी में चलने वालों को रास्ता मिल रहा है। उन्हें बड़ी बच्ची को पकड़ा, टांगों से पकड़ के यूं डाला, वो हाय करती गई और वो चटक गई और वो जल गई और वो भुन गई मछली की तरह, तली गई मछली की तरह। माँ माँ है, उसका कलेजा फट गया लेकिन आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं निकला। सबर देखना हो तो इसे देखो, सबर पढ़ने से नहीं आता, इसे देखो, इसे देखो, एक कतरा नहीं निकला तो उसने कलेजा फट गया। तो अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटाया और उसने देखा अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए। बेटी कह रही, अम्मा सबर करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्हें छोटी बच्ची को पकड़ा, दूध पीती, जिसे पता भी नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, उसकी तो आह भी ना निकल सकी, और उसे उन्होंने तेल में डाल दिया और वो जल के कोयला हो गई। माँ की आंखों से पर्दा हटाया, अल्लाह ने बच्ची की, माँ ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, कहा अम्मा सबर सबर, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब उसको पकड़ने लगे तो उसने कहा, फिरौन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? का क्या? का जब मुझे भी जला दो तो मुझे और मेरी बेटी की हड्डियां बाहर ना फेंकना, हमें कट्ठे कहीं दफन कर देना, कट्ठे कहीं दबा देना। फिरौन ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। हाँ, दुनिया में अल्लाह फिरौनों को मोहलत देता चला आया, लेकिन फिरौनों को मार के दिखाया, नमरूदों को मोहलत देता चला आया, फिर नमरूदों को मार के दिखाया, कारूनों को मोहलत दी, फिर कारूनों को मार के दिखाया, फिर जन्नत और जहन्नम का निजाम बनाया, फिर एक दिन मुझे भी खड़ा करेगा और तुम्हें भी खड़ा करेगा, फिर एक तबका जन्नत का हकदार बनेगा, एक तबका आग का हकदार बनेगा। फेंक दिया, जल गई, हड्डियां हड्डियां निकल आई, उन्हें हड्डियों को उठाकर जमीन में दबा दिया। 2000 साल गुजर गए, मेरा नबी दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल बाद आते हैं और आप मेराज पे चलते हैं। जब आप बैतुल मकदस से मेराज को उठे तो आपको ज़मीन से जन्नत की खुशबू आई, तो आपने इरशाद फरमाया, जिब्रील मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है? तो आपने, जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बेटियों के साथ, अपनी हड्डियों के साथ जिस जगह पर दफन है, जिस दिन उसे दफन किया गया था, उस दिन से आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क्यामत तक खुशबूदार रहेगा। ये जमीन का टुकड़ा कि यहाँ वो दफन है जिसने अल्लाह के साथ सौदा कर लिया। अल्लाह से सौदा कर लो, अल्लाह से सौदा कर लो। ये सौदा हुसैन ने किया अल्लाह के साथ, एक सौदा यजीद ने किया, उसने खून बहाया, उसने जुल्म किया। अरे जालिम कभी हरा नहीं होता और मजलूम कभी खुश्क नहीं होता, जालिम पे कभी बहार नहीं आती और मजलूम पे कभी खेजान नहीं आती। अल्लाह जालिम को मोहलत जरूर देता है, लेकिन एक दिन है जब अल्लाह जन्नत को सजाएगा और जहन्नम को भड़काएगा और तराजू को लटकाएगा और पुल सिरात को कायम करेगा और अपने अर्श को लाएगा और खुद फरिश्तों को बुलाएगा, फिर तारिक जमील को कब्र से उठाएगा, सरदार उजैर को कब्र से उठाएगा, जैद अमर बकर को कब्र से उठाएगा, फिर मुझसे सवाल करेगा, मैंने तुम्हें दुनिया में इज्जत दी, माल दिया, बता आज मेरे लिए क्या करके लाया है? बोलो आज क्या करके लाए हो? या अल्लाह की क़यामत से टक्कर ले जाओ, या अल्लाह की जहन्नम को पानी से बुझा दो, या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, या कब्र में जाने से इनकार कर दो, या मौत से लड़ने की ताकत दिखा दो, या ये तर्ज जिंदगी छोड़ो जिसने हमें हलाक कर दिया, अल्लाह के सामने रुसवा कर दिया। मौत है, जन्नत है, जहन्नम है, आखरत है, अल्लाह है, रिसालत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की हस्ती है, जो तुम्हारे लिए पिस गया, लुट गया, दान तोड़वाए, खून खून हुआ। जाओ जाओ, चलो मेरे साथ,
मैं तुम्हें ताइफ के पहाड़ों में ले जाऊं और मैं तुम्हें वहां खड़ के सवाल करूं, काश ताइफ के पहाड़ों की जबान होती तो वो सबसे पहले हमें तुम्हें लान तान करता। अरे तुम्हें शर्म ना आई कि तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए खूनो खून हो गया। उसके दो दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं, दो दफा, दो दफा, दो दफा, दो दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं। एक 4000 साल पहले जब इब्राहिम बूढ़ा बाप 96 साल की उम्र और 6 साल का बच्चा और हुक्म दिया जा रहा है दुश्मन के गले पे छुरी चलाना तो बड़ा आसान है कि इंसान जब वैश्य बन जाता है, जानवर बन जाता है, सांप बन जाता है तो उसे डसने में कोई आर नहीं होता, उसे काटने में कोई आर नहीं होता। लेकिन सामने तो इस्माइल खड़ा है, 86 साल की उम्र में बेटा मिला और बाप 92-94 साल का बूढ़ा हो गया और मेरा रब कहता है इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला दे, मैं देखना चाहता हूँ तू मेरा है या इस्माइल का है, तेरे दिल में मैं हूँ या इस्माइल है। का मेरे रब हजारों इस्माइल तुझ पे कुर्बान कर दूं। छुरी उठाई, फलस्तीन से चले और पहुंचे बैतुल, पहुंचे मक्का मुकर्रमा। बीवी से कहा बच्चे को तैयार करा दो, सैर कराने ले जा रहा हूँ। बच्चे को तैयार कराया, आज पहली दफा बच्चा बाप को देख रहा है, उंगली पकड़ के उछलता हुआ जा रहा है, मेरा अब्बा मुझे सैर कराने ले जा रहा है, यानी खबर के छुरी के नीचे से गुजारने ले जा रहा है और लियारी वालों को पैगाम देने जा रहा है कि अल्लाह पर हर शय कुर्बान करना सीखो, अल्लाह के लिए हर जज्बा छोड़ना सीखो, हर शय से हटना सीखो, जहां अल्लाह नाराज है हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हार ना पड़े हार जाओ, मिट ना पड़े मिट जाओ, लुट ना पड़े लुट जाओ, धक्के खाने पड़े खा लो खा लो खा लो, कि दुनिया में सबसे ज्यादा धक्के खाने वाला मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा, मुझे लियारी का कोई घर दिखाओ जहां गरीब ने पेट पे पत्थर बांधा हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक सहाबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। दो जहान का सरदार, मकाम में महमूद का मालिक, अर्श फर्श पर जिसके नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से पत्थर, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है देख मेरा सहाबी तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे दो पत्थर बंधे हुए हैं, मेरे पेट पर दो पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे जबा करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। हाँ हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। कहाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गरेबान खोला और कुर्ता उतारा, का अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के ना ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पाँव बांध दे और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है, तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए, क्या आखरत को आग लग गई है, क्या जन्नत जन्नत को आग लग गई है, क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है, क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है, क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है, क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। 96 साल का बूढ़ा
باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قصائی کی طرح, جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے پاؤں باندھ رہا ہے. پھر بیٹے نے کہا, ابا مجھے الٹا لٹانا, سیدھا نہ لٹانا, کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے, مجھے الٹا لٹا دے. وطلہ للجبین, الٹا لٹایا اور اپنا 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 گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا, چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے ایک ہاتھ میں سر کے بال, ایک ہاتھ میں چھری, گوڈا اس کی کمر پر, اور یوں آسمان کو دیکھا. ہائے ہائے, کائنات ہل گئی, ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی, کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی, فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کہنے لگے, یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے, یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں. ناراض نہ ہونا, تجھ پر ہر شے فدا ہے, ہر شے قربان ہے, یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. چھری چلائی, جب یہ کہا, یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں, ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے. دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ بھاگ کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں, پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں, پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں, زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں, باغ میں پناہ لیتے ہیں, پھر آپ کو ہوش آتا ہے, پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلا کرنے کو جی جا رہا ہے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, میرے رب آج میں تجھ سے گلا کرتا ہوں, تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا. اللہ کی غیرت, اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور فرشتہ اترا, ہاں یا تو میں کیا کہوں, دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا, دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیما بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں. تو میرے نبی نے فرمایا, نہیں, مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا. میں نے معاف کیا ہے, اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا, اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا, سب کچھ کھو دیا. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ. ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا, یزید نے حکومت کو راضی کیا, اس نے حکومت پالی, وہ حکمران بنا, اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندی بنی, اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا. کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا. ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے, پرانی ہے, لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا, مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے, ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے. محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے, لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ. آل رسول ذبح ہو رہے ہیں, حسین ذبح ہو رہا, کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین,
कौन हुसैन, मेरे नबी का नवासा हुसैन, कौन हुसैन जिसके होंठों पे बोसे दिए, जिसके माथे को चूमा, जिसकी आंखों को चूमा, जिसके सीने को चूमा, जिसके हाथों को चूमा, जिसको सीने पे लिटाया। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर में दाखिल हुए और अपने हाथ और पांव भी जमीन पे, गोड़े भी जमीन पे टिका दिए और ऐसे अपनी कमर को बैलेंस करके दोनों बच्चों को अपनी कमर पे बिठाया और कमरे में चक्कर लगा रहे हैं और फिर ऊपर मुंह करके कह रहे हैं, तुम्हारी सवारी कैसी है भाई, बच्चों बोलो तुम्हारा ऊंट कैसा है। ऐसे सवारों में एक को जहर दिया, एक को नेजे पे लटका दिया, पर अल्लाह उन्होंने पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, तो सब कुछ पा लिया।